मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग उद्योगपति निवेशकों से मिलना हुआ, मैंने उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय बजट पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चौघू ने कहा कि देश का बजट विकसित भारत के पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने की ओर एक बड़ा कदम है। जम्मू कश्मीर का बजट और देश का बजट दोनों ही विकसित भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, उस संकल्प की ओर बड़ा कदम है। भारत की अर्थव्यवस्था इससे और मजबूत हो और प्रधानमंत्री जी ने जो चार वर्ग युवा, महिला, गरीब और अंधा, इन चारों को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं दी हैं, नौजवानों के रोजगार के साधनों की बात हुई, उनको तनख्वाह देने की बात हुई, पीएफ भरने की बात हुई, स्किलिंग को आगे बढ़ाने की बात हुई, ये सब उपाय निश्चित रूप से चारों वर्गों के लिए जो बजट में दिया गया है वो सराहनीय। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि एमएसपी को लेकर हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, हर मौके पर मांग की, आज भी मैंने सदन में इस बात को रखा। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, हर मौके मांग की, आज भी मैंने सदन में इस बात को रखा। और सदे नेताजी ने हमेशा कहा कि जनता के बीच किया हुआ वादा पूरा न करना भी अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और बीजेपी के लोगों को अगर वादे किए थे तो पूरे करने चाहिए थे, हालांकि देश के जनमानस को अब उम्मीद खत्म हो चुकी है बीजेपी से। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि यह बहुत गलत है, कुछ राज्यों को बजट में विशेष पैकेज मिलते रहते हैं, यह लंबे समय से होता आ रहा है। देश में रहने वाले हर गरीब को मुफ्त चावल दिया जा रहा है, इसमें किसी राज्य, जाति, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है। यह बहुत गलत है, कभी भी बजट में कोई कुछ प्रांतों को स्पेशल पैकेज मिलते रहते हैं, अभी नहीं पहले से, रेलवे बजट में हो, जनरल बजट में हो, मिलते रहते हैं। इस साल एक दो स्टेट को थोड़ा स्पेशल दिए गए हैं, उसके लेकर हमारा स्टेट को क्या दिया है, देश में रहने वाले हर गरीब को, 80 करोड़ जनता को हम हर महीने 5 रुपये चावल मुफ्त में दे रहे हैं। कोई स्टेट को इसमें कोई रिलीजियस को, कोई स्टेट को, कोई कास्ट को इसमें कोई हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सभी लोगों को मोदी जी के नेतृत्व में खाना खिला रहे। केंद्रीय बजट को लेकर विपक्ष के विरोध पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर युवाओं को इंटर्नशिप मिल रही है तो उससे कांग्रेस पार्टी नाराज क्यों है। इंटर्नशिप मिल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी गुस्सा क्यों है। अगर बिहार को, आंध्र प्रदेश को डिवाइड कौन किया था, कांग्रेस ने ही किया था। अगर आपने ही जो वादा किया था आपने नहीं निभाया, अगर भारतीय जनता पार्टी वो निभाता है तो आपका गुस्सा क्यों है।